नमस्कार। आइए आज एक नए शब्द से शुरुआत करते हैं। आर टू और एक और शब्द लेंगे, आर टू हैव। तो सबसे पहले देखते हैं आर टू, उसके लिए उदाहरण देखिए। छत्तीसगढ़ी में हमन ला अपन ले बड़े के आदर करना चाहिए। दूसरा वाक्य है हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर जो वाक्य हो रहा है वो क्या एक नैतिक जिम्मेदारी की बात हो रही है ना। तो ऐसे बातों के लिए हमको क्या है आर टू का यूज करना है। और इसके साथ साथ सूट का भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन आर टू का प्रयोग करना चाहिए। तो ये इंग्लिश में हम इसको कैसे कहेंगे देखते हैं। हमें या हम लव वी आर टू, तो आर टू के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्या, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट किसे, अवर एल्डर्स। रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, अपने से बड़ों का। अपने से बड़ों का हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, इन अदर एग्जाम्पल देखिए। बिल्कुल हमने कहा नैतिक बातें होती हैं, और इसमें देखिए यहाँ पर उदाहरण हमने जो लिया है, हम ला अपन पड़ोस के मनखे से अमन ले माया करना चाहिए। इन हिंदी, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। आज देखा जाए तो बहुत तनातनी चल रही है, और तो ये इस प्रकार से बात होती है। तो ये देखिए अब इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वी आर टू लव, वी आर टू लव अवर नेबर्स। और जहां लव की बात होती है वहां प्रोटेक्शन होता है ना, रक्षा की बात होती है। तो इसलिए हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। जो वाक्य है इसमें वी आर टू लव सूट कभी 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 प्रयोग में ले आते हैं, लेकिन इसका यूज हमें करना चाहिए वी आर टू लव अवर नेबर्स। अब तुम्हें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए तो क्या हो जाएगा, यू आर टू लव योर नेबर्स। तुम्हें अपने भाई से प्रेम करना चाहिए, यू आर टू लव योर ब्रदर। तो इस प्रकार से हम ये सब्जेक्ट और वर्ब को चेंज करके वाक्य बदल सकते हैं, और बड़े आसानी से इनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो हमने जो नया उदाहरण लिया ये देखिए, तोला तोर जुन्ना कारला बेचना चाहिए। इन हिंदी, तुम्हें अपने पुराने कार बेच देनी चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें या तोला शब्द आया है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यू फिर आर टू सेल ऑफ ओल्ड कार, इसको पुरानी कार। और ये दूसरा भी हो सकता है, साइकिल हो सकता है, बाइक हो सकती है, जो भी चीजें। तो ये किस पर निर्भर करता है, बोलने वाले के ऊपर निर्भर करता है वो। तो इस प्रकार से यू आर टू सेल ऑफ योर कार, तो ला तो जुमना कार ला बेच देना चाहिए, या फिर तुम्हें अपने पुराने कार बेच देनी चाहिए। अब देख लेते हैं इसमें आर टू हैव का प्रयोग। तो हैव लग रहा है तो वर्ब का तीसरा क्रिया का तीसरा रूप हम इस्तेमाल में लाएंगे, देखते हैं कैसे। तो देखिए यहां हमने देखा आर टू में करना चाहिए सब अंत में आ रहा था, अब इसमें क्या करना चाहिए था। तो करना चाहिए था जब आएगा तब हम आर टू है उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग में लाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, तोला ओखर ले पूछना रिसे, या तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा, यू आर टू हैव, अब क्रिया का तीसरा रूप जो है आस्क कर, किससे, उससे, मतलब हिम ओकर ले। तो यू आर टू हैव आस्क डन हिम। ओके, इसी प्रकार से आप उसको बदल सकते हैं, मुझे उनसे पूछना चाहिए था। ओके, आई आर टू हैव आस्क डन हिम, मुझे उनसे पूछना चाहिए था।
तो इस प्रकार से आप बदल सकते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं और फिर ये क्लियर हो जाता है। ओके, तो देखिए हमने अगला उदाहरण जो लिया है कि तोला मोला बता देना रिसे, और अंग्रेजी हिंदी में तुम्हें मुझे जानकारी देनी चाहिए थी, तो ये क्या हो जाएगा, यू आर टू हैव या जानकारी इन्फॉर्म्ड इसे मुझे, मी, यू आर टू हैव इन्फॉर्म्ड मी। तो इस प्रकार से आपको आर टू जब वाक्य के अंत में करना चाहिए और आर टू है जब वाक्य के अंत में करना चाहिए था, ये शब्द आए तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, प्रयोग में लाना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मेरे वीडियो को लाइक करना कमेंट करना ना भूलिए, और नए व्यूअर्स को चाहिए कि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बताए दबाए ताकि मेरा जो रचना है सबसे पहले उन तक पहुंच सके। धन्यवाद।